चलो रसगुल्ला बच्चा एंड रसगुल्ली बच्ची शुरू करते हैं। डोकरी आ गई है अपनी, सो लेट्स स्टार्ट विद दी लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अमालगमेशन। ओके, बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू अमालगमेशन टुडे, आई वुड लाइक टू रिवाइज फ्यू ऑफ द थिंग्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, there are two companies. Name of the first company is gentlemen, transferer, and what is the second company? Transferee. So one is transferer and the other one is transferee. Acha, AS-14 is applicable to transferee. Iske liye AS-14 is applicable. Acha, what is PC as per AS-14? Anything which you give to the shareholders of ट्रांसफरर कंपनी इज वॉट पीसी। ठीक है, ना हाउ डू यू कैलकुलेट दैट पीसी? देर आर मेनी वेज। वॉट इज द फर्स्ट वन? डायरेक्टली गिवन, दैट इज डिस्चार्ज मेथड, कि क्या क्या दिया है। वॉट इज द सेकेंड मेथड? नेट असेट मेथड। वॉट इज द थर्ड मेथड? इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। देन माई डियर फ्रेंड, वॉट डू यू डू वेन यू वॉन्ट टू मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर? पहले बैलेंस शीट को खाली, क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट एट बुक वैल्यू। आप सुनते बहुत अच्छा है, बोलेंगे कब? हाँ, नागपुर। हाँ, सेकंड एंट्रीज लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू। फिर क्या करते हो? पीसी ड्यू, कैसे एंट्री होती है? होपलेस चैप, बशी घेऊन गाव भर फिरायचं। पीसी ड्यू, हाऊ डू यू मेक द एंट्री? व्हेरी गुड, ट्रान्सफरी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। फिर ट्रांसफरी कंपनी आपको क्या देती है? शेयर्स, कैश, जो देती है ले लो। क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी अकाउंट। और रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस कहां पर ट्रांसफर होता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। हो, आई थिंक दैट वॉज सो वेरी सिंपल। फिर जो बचा है आपको वो दे देने का। अच्छा, इसके बुक्स में एंट्री किसकी होती है? पहली एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर। ये किसकी एंट्री हुई? पीसी ड्यू, बिजनेस को खोल दो। असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेस, बैलेंसिंग फिगर गुडविल और सीआर। ये कौन सी वैल्यू पर लेने का? मार्केट वैल्यू। फिर लिक्विडेटर को दे दो, क्या देने का है? शेयर्स, कैश, वॉट एवर दे हैव सेड। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री आती है। अच्छा, उसके बाद में मुझे बताओ, इंटर कंपनी ओविंग्स की एंट्री किसके बुक्स में होती है? सिर्फ ट्रांसफरी। कैसे होती है? क्रेडिटर्स टू डेटर्स, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल। एब्सोल्युटली राइट सर। डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स, नहीं डिबेंचर अगर ये कर रहे हो आप, कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा, लास्ट अगर आपको ये कम करना है, स्टॉक की वैल्यू कम करना है, तो क्या करोगे? चुप, झूठे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट या सीआर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। डू यू एग्री? यस। सो दीज वर द एंट्रीज विच वी सॉ। आफ्टर दैट सर, मैंने कल आपको पीसी निकालने का तरीका बताया। बेटा जनरली अगर वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है, किसी को बताना मत, चुपचाप बताओ। अगर वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है तो जनरली वो कौन सा मेथड होता है? नेट असेट या डायरेक्टली गिवन? नेट असेट मेथड। अच्छा, तुमको याद है ट्रांसफरी के बुक्स में अगर ये नहीं बताया है कि असेट को रिवैल्यू करो, तो वो जनरली असेट की वैल्यूज क्यों दी जाती है? ट्रांसफरी ओनली टू कैलकुलेट द स्वैप, इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है? आप ट्रांसफरी के बुक्स में तभी एडजस्ट करेंगे जब आपको बोला जाएगा। बोला नहीं तो एडजस्ट करोगे क्या अकीब साहब? नहीं। अच्छा, उसके अलावा भी तो बात की थी अपन ने कुछ, कि बेटा जी जब कभी भी आप ट्रांसफरर की पीसी निकालते हो तो वो कौन सी वैल्यू पर निकालते हो? ऑलवेज एट मार्केट वैल्यू। ट्रांसफरर की अगर पीसी निकालते हो तो ऑलवेज एट मार्केट वैल्यू, बिकॉज इट इज एज गुड एज वी आर सेलिंग द बिजनेस। डन। सो विद दिस लेट्स बिगिन टुडे। क्वेश्चन नंबर व्हाट? नहीं बताओगे
तुम पर भरोसा किया जा सकता है क्या? एट नहीं, आज मुझे पहले कोई तो इजी इजी नहीं, थोड़ा सा लेंदी वाला क्वेश्चन कराना है। चुप झूठी है। यस प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू से मैं आप सभी लोगों को हेल्प कर दूंगा विथ एंट्रीज। सुनना डोकरे, क्वेश्चन नंबर टू पे आ। कल हमने इसका पीसी निकाल चुके थे, आज वापस करेंगे इसी के साथ खेलेंगे आज। आज मगर क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज दोनों के बुक्स में करनी है। ओके यस पढ़िए। बी कंपनी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2010, रुपीज इन लैक्स। शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, सीआर जीआर अनसिक्योर्ड लोन सन्ड्री क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, फिक्स्ड असेट करंट असेट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट गुडविल। देन बी कंपनी लिमिटेड इज अमालगमेटेड विथ बी सन्स लिमिटेड एज ऑन 31st December 2010, ऑन विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ बी सन्स लिमिटेड इज एज फॉलोज, रुपीज इन लैक्स। ओके कौन है? बी कंपनी लिमिटेड इज अमालगमेटेड विथ व्हाट? बी सन्स लिमिटेड। हु इज बी कंपनी लिमिटेड? ट्रांसफरर। एंड हु इज बी सन्स लिमिटेड? ट्रांसफरी। तो बेटा बी कंपनी लिमिटेड को क्या लिखेंगे? ट्रांसफरर। सब बच्चा मेरा लिखेगा इधर, ये छोरी है ट्रांसफरर। तुम पूछोगे सर आपको कैसे पता ट्रांसफरर है ये? मुझे भी नहीं पता। आई मीन छोरी कैसे आपको कैसे? मुझे भी नहीं पता। बी सन्स छोरी बोल देते, सॉरी छोरी नहीं बोलते, इसको बोलते ट्रांसफरी। अग्रीड? यस। एक है ट्रांसफरर और एक है ट्रांसफरी। डोकरी देख क्या क्या लिखा है। जनरल रिजर्व, सिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड, फिक्स्ड असेट करंट असेट्स। लवली पीपल यू सी। फॉर द पर्पस ऑफ अमालगमेशन गुडविल ऑफ बी कंपनी लिमिटेड इज कंसिडर्ड वैल्यूलेस। देर आर ऑल्सो अरियर्स ऑफ डिप्रिसिएशन इन बी कंपनी लिमिटेड अमाउंटिंग टू रुपीज 4 lakh. The shareholders of B Company Limited are allotted in full satisfaction of their claim equity shares in B Sons Limited in the same proportion of the respective intrinsic value of the shares of the two companies bear to one another. Past journal entries in the books of both the companies. Write down first question yahan pe. Main jo aapko question puch raha hu wo likho. What is the issue price of share? राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट इज द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, शेयर इश्यू दे रहे, इश्यू कर रहे, एक्सक्यूज मी, शेयर इश्यू कर रहे, बट व्हाट इज द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर? व्हाट इज द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर? वेरी गुड, इंट्रेंसिक वैल्यू इज द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर। बेटा अगर नहीं बोल रहे तो हम इंट्रेंसिक वैल्यू पर इश्यू कर रहे हैं, नहीं तो एग्जामिनर क्लियरली बोलता है शेयर इज इश्यूड एट पार। Say yes, otherwise examiner would clearly state share is issued at par. Are you getting my point? Okay, let's begin the story. पहले आप सभी लोगों से request है कि आप intrinsic value निकाल कर ready रहे। I am requesting you all to calculate intrinsic value and be ready. I want you all to calculate the intrinsic value.
जनता, इंट्रिंसिक वैल्यू निकली क्या दोनों की? कुछ सुस्त मुर्गे एकदम धीरे धीरे कर रहे हैं। क्या क्या ठोक ढोकले? सो बता बेटा, बी कंपनी लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई? यू से 180। वन सिक्सटी फाइव और 328 आया क्या? और दूसरे की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई? यू आर एब्सोल्युटली राइट, 22.5। ऐसा इन बच्चों का बोलना पड़ रहा है, तो उनके इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई कितनी? 180 और 22.5। हाँ है ना? तो आप यहां तक निकाल कर ले लीजिए। छोटे नवाब आया क्या? You are expected to calculate the intrinsic value. देख लो, fixed asset कितना लेना है? Arrears of depreciation था तो minus किया वो. Goodwill is considered valueless, so I have not taken it up. And rest of the assets and liabilities I have taken it at book values. In the absence of information, I have taken it at book value. And when I am calculating the intrinsic value, it turns out to how much? Transferer का 180 और transferee का कितना? 22.5. Have you understood this? मैं अगर आपसे सही पूछ रहा हूं तो आप तक मेरी बात पहुंच रही है क्या? देखिए, ट्रांसफरर कंपनी कह रही है कि I want 90 rupees बिकॉज दैट इज देयर नेट असेट. ट्रांसफरर कंपनी क्या बोल रही है? मेरे को 90 चाहिए, माई नेट असेट आर 90, प्लीज गिव मी 90. बट देन दे आर गोइंग टू गिव 90 इन हूज शेयर्स? इन द शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी. तो कितने शेयर्स दिए जाएंगे? 90 डिवाइड बाय 22.5. ये शॉर्टकट है, 90 देना है. क्या देंगे? 22.5 का शेयर देंगे ना? अपने आपको खुद का तो शेयर नहीं दे सकते, तो कौन सा देंगे? 22.5. कैन आई गेट द नंबर्स? 4 लाख शेयर्स ऑफ वॉट? 4 लाख शेयर्स ऑफ व्हाट? बी सन्स लिमिटेड, दैट इज ट्रांसफरी. 4 लाख शेयर्स ऑफ व्हाट? बी सन्स लिमिटेड. हैव यू अंडरस्टूड दिस? वो आपको उल्टे तरीके से एक्सचेंज रेशियो भी पूछ सकते हैं. एक्सचेंज रेशियो एकदम सिंपल है. क्या सिखाया था मैंने कल आपको फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? ट्रांसफरर डिवाइड बाय ट्रांसफरी. सो कैन आई नॉट से 180 डिवाइड बाय 22.5? कितना आ रहा है? 8 आ रहा है क्या? सो फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ ट्रांसफरर यू आर गोइंग टू गेट हाउ मेनी शेयर्स? 8 शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी. वो कैसे लिखेंगे? देखो, फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ ट्रांसफरर दे आर गोइंग टू इश्यू हाउ मच? 8 शेयर्स इन ट्रांसफरी. सो जरा देखो, ट्रांसफरर के कितने शेयर्स है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कितने शेयर्स है ट्रांसफरर के? इट इज 50,000. तो कितने शेयर्स मिलेंगे? मैं आपको इधर ही बता देता हूं. 50,000 डिवाइड बाय 1, तो 1 को कितने मिलेंगे? 8. सो 50,000 इंटू 8 कितना आएगा? 4 लाख. मैंने तो आपको ये पहले ही बता दिया था ना, 4 लाख. अब देखो, पीसी कितने तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, मैं आपको लिख रहा हूं. एक तरीका ये हुआ, कितने? 4 लाख शेयर्स, राइट? पीसी देखो दो तरीके से बोल सकते हैं. देखो, एक बी सन्स लिमिटेड इश्यूड 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 22.5. ये भी पीसी है. 4 लाख इंटू 22.5 इज वॉट? पीसी. और इट कैन ऑल्सो बी सेड बी कंपनी लिमिटेड वैल्यूड इट्स शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 180 ईच. इससे भी क्या मिल जाएगा? पीसी. 50,000 इंटू 180. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ईच शेयर ऑफ बी कंपनी लिमिटेड विल बी, ईच शेयर ऑफ बी कंपनी लिमिटेड विल बी इश्यूड 8 शेयर्स
इन बी सन्स लिमिटेड एट द रेट ऑफ रुपीज 22.5 ईच. अगेन यू गेट द पीसी. इन ऑल द सिनेरियोस पीसी विल बी सेम, बट मैंने एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से प्रेजेंट किया आपको. एक पीसी इंट्रिंसिक वैल्यू से एग्रीड, मगर मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू उन्होंने अपने पास कैलकुलेट करके रखी हुई ऑलरेडी. तुम्हारे पास डायरेक्टली ये लाइन दी, क्या लाइन दी है, दैट बी सन्स लिमिटेड इशूड 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 22.5 ईच, वन एंड द सेम. या फिर ऐसा बोला गया बी कंपनी लिमिटेड वैल्यूड इट शेयर्स ईच शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 180 ईच, वो भी पीसी है. थर्ड क्या है, ईच शेयर ऑफ बी कंपनी लिमिटेड विल बी इशूड 8 शेयर्स इन बी सन्स लिमिटेड एट द रेट ऑफ रुपीज 22.5 ईच. तीनों ही चीजें क्या है, पीसी है. सो बेटा अब मैं तुमको कोई चीज मगअप नहीं करा सकता, तुमको समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे. तो पीसी वाली लाइन हमेशा ध्यान से पढ़िए. व्हाट इज पीसी, दे कैन आस्क यू इन एनी ऑफ द फॉर्मेट. यहां तक पीसी समझ में आया, ओके? क्या तीनों का कैलकुलेशन वही आ रहा है ना, बी कंपनी लिमिटेड का कितना है, सेकंड वाले का कितने शेयर है, 50,000. अरे डोकरी एक बार कर कर देख लेती तो फर्क नहीं पड़ जाता ना, इंटू 180, 50,000 इंटू 180. समझ में आ गया ना, ठीक है. चलिए अभी अब हमको क्या करना है, लिखिए नेक्स्ट डिस्चार्ज ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी. Discharge of PC. Is that okay? So how many shares? 4 lakh equity shares at the rate of rupees 22.5 each. Discharge of PC. Discharge of PC. Discharge of PC. How much? 4 lakh equity shares of 22.5 each. 4 lakh equity shares of 22.5 each. Now, shall we do the journal entries in the books of transferor company? Transferor company मतलब कौन है? B company limited. B company limited के books में journal entries करेंगे? So, write down journal entries in the books of B company limited. Journal entries in the books of transferor company. What is the first entry you do? I need to empty my balance sheet. So my entry is realization account debit. Okay? To what? What are the assets? Beta? Pehli asset kaun si? Fixed asset. Kya value beta? Kitna hai? I have to do it at book value. I have to do it at book value. How much? Are गाढ़ो छाप अगरबत्ती कहां से आए हो यार, तुमको दिखता नहीं कि आंखें की बटन है. 79 इज द मार्केट वैल्यू. 10 बार समझाया कि कौन सी वैल्यू लेनी, कि बुक वैल्यू. बोलो ना एक बार कौन सी वैल्यू पर खाली करना है, बुक वैल्यू. सो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट, हाउ मच, 83. टू अगला बताएंगे कि और कौन सी असेट है. करंट असेट्स कितना है, 69. नेक्स्ट टू इन्वेस्टमेंट कितना है, 17. टू गुडविल कितना है, 2.
और कुछ है क्या? कितना आएगा टोटल? 171. ऑल द असेट्स यू हैव टू एम्प्टी इट एट बुक वैल्यू, बराबर ना? बीइंग असेट्स ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू. ये रही आपके सामने एंट्री 171, बीइंग ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट. बेटा फिर क्या ट्रांसफर करेंगे? लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज बताओ कौन सी है? यू आर सेइंग अनसिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड व्हाट? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. दीज आर द ओनली थ्री लाइबिलिटीज. से यस. सो अनसिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट. Being liabilities transferred to realization account. Okay? Can I have the next item, please? Asset transfer kar di, liabilities transfer kar di. Share capital ko transfer karna padega. रिजर्व्स एंड सरप्लस को ट्रांसफर करना पड़ेगा. किसके अकाउंट में? शेयर होल्डर अकाउंट. सो जरा देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 50. सीआर कितना है? 10. जीआर कितना है? 36. हाँ है ना? तो अपनी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीआर अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. Have you understood till this point? Achha, can you please now tell me what is the fourth entry which I'll have to do? Ye teen entries hamesha aayegi, matlab aayegi. Asset ko khali, liabilities ko khali aur share capital ko khali. Ab kya karne ka? PC due. PC due kisse karte? Transfer se. Jitni perfect aapke entries, utna aasani se entries banegi. Exam mein agar soch ke karne ke liye jaoge to phasoge. Agreed? Isme sochne ki zarurat nahi hai. PC due, kya entry aani chahiye? Transferi company account debit. To realization account. But what is the PC you have calculated? 19. So our entry would be B Sons Limited account debit to realization account. Theek hai, Dhoklas and Dhoklis. अगला बात पूछो अभी आपको. फोर्थ हो गया. फिफ्थ रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस अपने को कैलकुलेट करना है. एग्रीड? तो बेटा कितना है रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस जरा देखो. तो इधर डेबिट से शुरू करते हैं, डेबिट से शुरू करते हैं, राइट? ऑल द डेबिट आइटम आई ऐड एंड ऑल द क्रेडिट आइटम आई लेस. अगर बैलेंस डेबिट रहा तो लॉस आएगा, मतलब फिगर पॉजिटिव रहा, दैट मीन डेबिट बैलेंस इज मोर. So that means there is a loss. And if the figure turns out to be negative, that means credit balance is more, that is profit. Ye click ho raha hai na? So low debit balance 171 minus 75 minus 90. Profit hai ki loss hai? Loss. Because the figure is positive. Kitna hai? 6. So my loss is 6. My entry is, loss kisko transfer karte? Shareholder. So entry कैसे होगी? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैन यू प्लीज डू दिस एंट्री?
व्हाट इज द फिगर सिक्स? हाजी करिए तो सर एंट्री. लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करने की एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सब कुछ हो जाने के बाद में करना. अभी इसमें कुछ था नहीं इसलिए हमने कर दिया पहले. अब बेटा वो 20 अंश से कितने रुपए आने, वो क्या दे रहा है, कितने शेयर्स दे रहा है? 4 लाख. तो हमारी एंट्री क्या आएगी? इक्विटी शेयर्स इन 20 अंश लिमिटेड. एग्रीड? 4 लाख इंटू 22.5, दैट इज नथिंग बट 90 टू व्हाट? 20 अंश लिमिटेड अकाउंट. मतलब इस व्यक्ति से पैसा आना, इसको डेबिट बैलेंस है. मैंने क्या बोला, इससे क्या आ गए? शेयर्स. ध्यान रहे, जिस कंपनी को शेयर्स मिलते हैं वो कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री नहीं करती, क्योंकि उनके लिए शेयर्स को डेबिट बैलेंस आ रहा है. डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज एन असेट. माय एंट्री इज व्हाट? इक्विटी शेयर्स इन बी सन्स लिमिटेड 90 टू बी सन्स लिमिटेड 90, बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड. Being purchase consideration received. हाँ या ना? आपको पीसी मिली, क्या मिला? शेयर्स. कई बार आपको इसमें क्या मिल जाती है? कैश. अब क्या करेंगे, अब क्या करने का? ये किसको बांट देंगे? शेयर होल्डर. इसको बांटने के बाद में शेयर होल्डर का अकाउंट आपका टैली होना चाहिए, राइट? कितने शेयर्स मिल रहे बेटा? 90 बांट दो शेयर होल्डर को. एंट्री क्या आएगी? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन बी सन्स लिमिटेड. ठीक है, कूल. एक बार वापिस से रिवाइज कर लो कौन से एंट्रीज की, और अपने दिल से पूछो क्या ये एंट्रीज चेंज हो सकती है कि द आंसर इज नो. अगर आपको ये एंट्रीज पता है तो इसमें एग्जाम में आपका टाइम कम लगेगा और स्पीड बढ़ेगी. एंट्रीज का सीक्वेंस यही होना चाहिए, पता होनी चाहिए. पहले एंट्री सारी एसेट्स को खाली करो एट बुक वैल्यू, हर एक लाइबिलिटी को खाली करो एट बुक वैल्यू. इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस को ट्रांसफर करो शेयर होल्डर अकाउंट. पीसी बनाओ ड्यू, क्या मिल रहा है वो बता दो. इक्विटी शेयर्स मिल रहे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर नहीं आती. सिक्स्थ एंट्री, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करो शेयर होल्डर को, और जो आपको मिला है वो किसको दे दो? शेयर होल्डर को. सिक्वेंस पता होना चाहिए. एग्रीड? अब बेटा नेक्स्ट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर ही चलते हैं. अगर तुमको सीक्वेंस पता है तो मुझे बता दो. बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, फिर नेक्स्ट एंट्री असेट्स टू लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, बैलेंसिंग फिगर गुडविल या सीआर. थर्ड इशू के शेयर की एंट्री, मगर शेयर के इशू की एंट्री करते हैं तब कौन सी वैल्यू पर करने का? फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल एट फेस वैल्यू. इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर व्हेन दे आर इशूइंग द शेयर्स ऑलवेज एट फेस वैल्यू, से यस. और अगर जो बचा हुआ पैसा है वो कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम. मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रांसफरी कंपनी के एक शेयर की कीमत कितनी आई है? 22.5. उसके एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10. सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 12.5. सो कैन आई नॉट से 4 लाख इंटू 12.5 विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम? देखो तो कितना आता है, 50. सो 50 लाख कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम. डू यू ऑल एग्री? यस. So let's make the entry. Boys and girls, pehli entry. Pehli entry. Bolega Thakur. Business purchase to liquidator of what? B company limited. Okay. 1990. Likhega? Likhega kya? Dikha? हाँ नहीं है तेरे ऊपर. ठीक है,
नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा जी? ऑल असेट्स। नलायक बच्चों कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू? आप कितने प्यारे बच्चे लगते हो, पहले कैसे छिछोरे के जैसे बात कर रहे थे, मार्केट वैल्यू पर करते ना। यस, सो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट कितना आएगा डोकरे? 79। इधर 83 नहीं आता गोटिया, इधर कितना आता बेटा? 79। करंट असेट्स 69, इन्वेस्टमेंट 17, टू अनसिक्योर्ड लोन, टू सेंट्री क्रेडिटर्स, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, टू बिजनेस परचेस 90। बैलेंसिंग फिगर इधर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अभी साले नेट असेट मेथड यूज कर रहे, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा कहां से? समझ रहा है ना तू? यस, आफ्टर दैट जिनको पैसा देना है उनको हम शेयर्स दे देंगे। हाँ हाँ, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, सॉरी। हियर इज माई फाइनल एंट्री, तुम बताओ, मैं नहीं दिखाऊंगा फाइनल एंट्री। क्या बोलोगे? लिक्विडेटर ऑफ बी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 40 लैक्स। 4 लाख इंटू 10, 40 लैक्स। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 4 लाख इंटू 12.5, 50 लैक्स। यू आर राइट सर, यू आर राइट। क्या बेटा बोलो? हाँ वो टैली हो जाता तुम्हारा नहीं हो रहा है। अच्छा 83 लिया होगा बेटा, देख वो सीपीटी कर ली क्या? हो गया, गुड। क्या क्या बताएगा, क्या मिस्टेक की? हाँ बताएगा क्या, क्या मिस्टेक की? अच्छा एक एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं तुमको, अभी क्योंकि अभी एक इस बंदे ने अपने को एक हेल्प की। आज एक फेसबुक पर एक स्टोरी पढ़ रहा था मैं, वो स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने भी पढ़ी, वो आपको बता रहा हूँ। क्या होता है कि एक बार एक आदमी रहता है एंड ही इज़ वर्किंग इन द रूरल एरिया, बहुत दूर दराज के एरिया में काम कर रहा होता है, उड़ीसा। ओके, और उड़ीसा के कोई खेत खलियानों में जहाँ पर ये घास फूस नहीं रहती क्या, उस घास फूस के एरिया में कहीं उसकी वॉच खो जाती है एंड दैट वॉच इज़ वेरी डियर टू हिम, ही इज़ इन फॉन्ड लव विद दैट वॉच। किसी की है यादें जुड़ी हुई, वॉच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। He searches here and there and he is not able to figure out that watch. उसको watch मिलती नहीं है। And then कुछ बच्चे आते हैं, वो उनको बोलता है कि देखो सुनो, तुमको एक गिफ्ट दूंगा बहुत बड़ा, अगर तुम मेरे को मेरी वॉच ढूंढ के निकाल देते हो तो। सभी बच्चे उस खेत खलियानों में ना भागते दौड़ते ये करते वो करते एंड देन दे डोंट गेट द वॉच। बहुत मेहनत करते फॉर अराउंड 2 to 3 hours, he doesn't get the watch. क्या करेंगे, लगता है कि वॉच तो गई। फिर एक बच्चा बोलता है कि मेरे को लास्ट चांस प्लीज़ गिव मी। तो वो ये बंदा बोलता है कि मेरा क्या लॉस है, मेरे को तो वॉच चाहिए। सो ही सेड ओके, आई विल गिव यू वन मोर चांस, गो एंड फाइंड आउट दैट वॉच एंड द रेस्ट ऑफ द किड्स हैव लेफ्ट द प्लेस। दिस गाइज गो एंड इन नेक्स्ट 2 to 3 minutes ही गेट दैट वॉच बैक आउट एंड देन दिस फेलो इज सरप्राइज, हाउ डिड यू गेट दिस वॉच? सिर्फ 2 या 3 मिनट में, हम पिछले आधे दिन से ढूंढ रहे हैं, हमको वॉच नहीं मिल रही, देर इज नो सक्सेस एंड नाउ यू हैव गॉट द वॉच, हाउ डिड यू माइंड टू डू दैट? ही सेड वन वेरी सिंपल थिंग आई डिड वॉज आई सैट देयर वेरी कामली पीसफुली एंड जस्ट लिसन टू दैट साउंड ऑफ टिकलिंग ऑफ दैट वॉच।
ticks, it creates a sound. And which can be heard only when there is a silence in your mind and silence around. And that could have been done. The matter was sorted out in a matter of 3 to 4 minutes. He followed that voice and he figured out that watch. Remember one thing. Knowing is not sufficient. You should be at peace of your mind to recall whatever you have read throughout these days. The most crucial time is that 3 hours. I have seen so many wrestlers, I have seen so many shooters, I have seen so many people. They have practiced throughout their life. But when it comes to that 3 hours, those few minutes, sometimes they become little restless and they tend to lose that battle. The simple thing which I want to give you is what most of the coaches give to their sports people, sports person. You know what is that? Be very relaxed when you are giving your exams. You are going to handle your calculator. Believe me, under stress, you do the calculation also wrong. One calculation mistake can cost you 10 marks. So be at a complete peace when you are writing your paper. Be yourself, and then that should be sufficient for you to pass in your exams. Bharosa maniye, tension se kisi ko kuch aaj tak kuch hasil nahi hua, na aapko hone wala hai. Go and do Google. Can you do Google? Will you do it for everyone tomorrow? Write down in Google, what is achieved with tension? Haan, figure out karo na, tum tension lete ho sab log. I mean, I am asking you a very simple thing. What is achieved because of tension? Or who had succeeded in the past because of tension? Do such Google. You will not find even a single person who has succeeded ever in his life because of pressure or tension. Pressure can be there, but then you need to be very calm, quiet and relaxed state when you are solving the paper. That is going to create miracles for you. There is no greater logic than this. My teaching is waste if you are not composed, calm and composed on that day. And one calculation mistake will ruin you completely. Abhi thodi der pehle iska hua. Aur aisa I am sure majority of you have also done it. Don't do it. Don't do it. Kahi baar question ko barabar na padna. Kahi baar calculation barabar nahi karna. Jo cheez hame aa rahi hoti hai, question ka part bhi hota hai, wo nahi dekhna. ये सब चीज़ें उसी की वजह से होती है. प्रिपेयर योर सेल्फ विद अ कंपोज्ड माइंड. बाकी इजी है, मेरा भरोसा मानो, इट्स इजी. अरे इतना पढ़ लिख लिया तो क्या आएगा नहीं यार? आता है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो मोमेंट में, प्रेशर में हम मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं. समझ में? प्रैक्टिस दिस आर्ट. सीए नहीं भी बने ना तो मेरा भरोसा मानो, विद दिस आर्ट यू विल रिक्रूट at least 100 CAs under you. But you should perfect this art very well. Kuch bhi scenario mein tension nahi lene ka. Work with ease as naturally as possible. Samjhe? Cool. Now it's time that we do one more question. Now you know what are we going to do? We are going to solve question number 4th. Now this is on ledger accounting. Question number 4th ko likh do ki revise before exam. Isme wo sab hai. Deva. It has got everything. Drama, sab kuch hai isme. Suspense, fiction, sab cheeze. Action. Romance was more interesting for you, I know. Haan. So, sab hai. Let's read it. Kya nikal do? Horror bhi hai. Yes. The horror Vaishnavi ke liye. The following is the balance sheet of Week Limited as at 30th June 2011. Ye kiski balance sheet hai? Week Limited ki. Share capital hai. Reserve fund hai.
5% डिबेंचर लोन फ्रॉम ए आर डायरेक्टर एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स कैशेड बैंक एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. धीरे से वो कह रहे द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टेकन ओवर बाय स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एज ऑन दैट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. किसने किसको उठाया? स्ट्रॉन्ग ने वीक को उठाया. स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टू टेक ओवर ऑल असेट एक्सेप्ट कैश टू वैल्यू द असेट्स एट देयर बुक वैल्यूज लेस 10% एक्सेप्ट गुडविल विच वॉज टू बी वैल्यूड एट 4 years purchase of the excess of average profit over 8% of the combined amount of share capital and reserves. I don't think so. I'll have to explain it again today. You know it already. We have done it yesterday. क्या किया था हमने इसमें कि किस तरीके से पीसी निकाली जाती है. इसमें मैं वापस याद दिला दूं, जब गुडविल दिया जाता है तो मेरी बात थोड़ी सी याद रखना. जब गुडविल दी जाती है तब थोड़ी सी बात याद रखना कि पीसी जनरली नेट असेट मेथड से निकलेगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Strong Limited to take over trade creditors which were subject to discount of 5%. Okay, all right. अब बेटा जी आगे क्या बोला है? मुझे एक बात बताओ, क्या डिबेंचर्स को उठाया क्या? नहीं. क्या डिबेंचर्स को उठाया क्या डोकरे? नहीं. क्योंकि अगर क्लियर सी बात है, अगर उन्होंने कहा है कि उन्होंने ट्रेड क्रेडिटर्स को उठाया है, उसी भाषा में वो ये भी तो बोल देते थे ना कि डिबेंचर्स को भी उठाया. और उन्होंने यहां पर यह क्लियरली बोला डिसाइडेड टू टेक ओवरऑल असेट एक्सेप्ट कैश. लाइबिलिटीज के बारे में बोला नहीं है, तो लाइबिलिटी के बारे में जो चीज बोली है सिर्फ उतनी लेनी है. सही, यस यस. और आगे क्या बोला है? द पीसी वॉज टू बी डिस्चार्ज इन कैश टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,50,000 एंड द बैलेंस इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वैल्यूड एट ₹12.5 पर शेयर. उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पीसी. पीसी में से पहले क्या देना पड़ेगा? कैश. कैश कितनी देनी पड़ेगी बेटा? 1,50,000. और बचा हुआ क्या देना पड़ेगा? शेयर्स. और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? ₹12.5. हो फिर गुडविल निकालने का तरीका है द एवरेज प्रॉफिट वॉज 30,100. द एवरेज प्रॉफिट वॉज वॉट? 30,100. क्या करेंगे? गुडविल निकालेंगे इससे. हाँ, आगे द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹4,000. डिड दे से हु इज टू बियर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस? सो हु इज गोइंग टू बियर इट? ट्रांसफरर. ट्रांसफरी का क्या संबंध है? ट्रांसफरी खरीदने वाला है, बेचने वाला करेगा ना ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. व्हाई विल ट्रांसफरी बियर दोज एक्सपेंसेस? से यस. ऑलराइट, मूविंग ऑन. वीक लिमिटेड हैड सोल्ड प्रायर टू 30 जून 2011 गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर ₹40,000. मैंने आपको 10 बार बजा के बोल दिया है कि इसका पीसी के साथ कोई लेना देना नहीं है. इस एंट्री का सिर्फ एक ही बुक में लेना देना है, वो है ट्रांसफरी की. और ट्रांसफरी में भी एक्विजिशन हो जाने के बाद में लास्ट में एंट्री होती है. हम लास्ट में बात करेंगे. ओके ओके. अगला क्या है? डेटर्स इंक्लूड 20,000 स्टिल ड्यू फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. 25,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर स्टिल इन स्टॉक ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड. शो द इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड. सो शैल वी डू इट? वीक और स्ट्रॉन्ग के बुक्स में करने का. ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं पीसी. संतोष इधर आओ ना. पहले निकालते क्या? पीसी. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है क्या? पहले निकालेंगे पीसी. चार्जर 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 इधर 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 इधर. पहले निकालेंगे पीसी. ओके, पीसी निकालने की किसकी जरूरत पड़ेगी? गुडविल. गुडविल निकालोगे आप? कल ही निकाल चुके हैं सर. 50,000 बोल रहे हो? ठीक है, तुम बोलते हो, मैं बात सुन लेता हूं तुम्हारी. सो बेटा ये गुडविल इस तरीके से निकालो. गुडविल इज 50,000. फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. इट इज 50,000.
चलो अभी पीसी बताओ कितनी है तुम्हारी, कल तुमने पीसी निकाली थी ना, कितनी है बताओ पीसी, कितना बता रहा बेटा, कितना बता रहा है? 3,02,500। ओके सो बेटा पीसी निकालते वक्त जो अभी के मार्केट वैल्यू है वो लेना है। सो बताओ मुझे कौन सी वैल्यूज अपन ने निकाली थी कल एट दैट बुक वैल्यू लेस 10% एक्सेप्ट गुडविल। और बेटा बाकी का क्या लेना पड़ेगा, क्रेडिटर्स और सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 5%। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या करना होगा, गुडविल अभी निकाली 50,000, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 85,000 माइनस 10% कितना आएगा 76,500, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 माइनस 10% हाउ मच इट वुड बी 1,44,000, देन स्टॉक 55,000 माइनस 10% इट इज 49,500, डेटर्स इट वुड बी 58,500। ये टोटल ए देगा आपको, ये टोटल ए देगा, दैट इज व्हाट असेट्स माइनस लाइबिलिटी एक ही क्रेडिटर्स जिसमें से 5% डिस्काउंट लेस करना है 76,000, नेट पीसी 3,02,500। यू नीड टू राइट फास्ट डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कल हो चुका है। आया बेटा आपका, अच्छा सो 3,02,500 आया। अब इसका ब्रेकअप बता बेटा क्या क्या आएगा, कैश 1,50,000 और एक शेयर कितने का बेटा 12.5। तो नंबर्स भी निकाल सकते हैं बट बचा हुआ किसमें देंगे, शेयर्स में। सो कैन आई नॉट से 1,52,500 वुड बी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, कैश 150 एंड इक्विटी शेयर्स 1,52,500। नंबर्स अगर निकालने होंगे बेटा, सो 1,52,500 डिवाइड बाय हाउ मच 12.5, कितने आ रहे 12,200 is the right answer. 12,200 at the rate of 12.5 each. बट रिविजन बैच में रफ में कैलकुलेट करो, पूरा एकदम ये लाइन साइंस ड्रॉ करके मत करो अभी। आपको किसकी किसकी बुक्स में एंट्री करने की बात कर रहे हो, बोथ द कंपनीज बोला है क्या, इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड दैट इज ट्रांसफरर एंड व्हाट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्ट्रांग लिमिटेड मतलब इन द ट्रांसफरी। और फिर क्या बोला, कुछ बोला और आगे, उसके आगे बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं बट बैलेंस शीट इसमें पूछा नहीं है, इज दैट ओके, पूछ भी नहीं सकते क्योंकि स्ट्रांग के बैलेंस शीट ओरिजिनल बैलेंस शीट हमारे पास नहीं है, है क्या, नहीं है। तो बेटा वीक की बुक्स में आपको क्या क्या कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, सो आई अप्रिशिएट द फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, जरा याद कर कर बताओ, नहीं पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे जो जो लगेगा हम बनाना शुरू करेंगे, याद कर कर बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी वैल्यू पर खाली होती है चीजें, बुक वैल्यू। ओके क्या क्या खाली होता है, असेट्स और लाइबिलिटी, सो बताओ कौन से असेट्स है, टू गुडविल, बुक वैल्यू है क्या, गुडविल 35,000 बराबर है ना, सो टू गुडविल 35,000 बेटा, नेक्स्ट असेट टू लैंड एंड बिल्डिंग 85,000, नेक्स्ट बेटा टू प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000, नेक्स्ट टू स्टॉक 55,000, टू डेटर्स 65,000 बेटा, टू कैश में इधर नहीं करूंगा, यू शुड आस्क मी द रीजन व्हाई,
आई एम नॉट सेलिंग माई कैश, आई एम नॉट ट्रांसफरिंग माई कैश, सो आई क्रिएट अ न्यू अकाउंट ऑफ कैश. हम ट्रांसफर कर रहे हैं क्या? देखो उन्होंने बोला एक्सेप्ट कैश, ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैश. कैश अगर मैं दे नहीं रहा हूं तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा, उसका एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाऊंगा. उस इंडिविजुअल अकाउंट का प्यारा सा नाम है कैश अकाउंट. धीरे से किसी को ना बताते हुए लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है बेटा जी? 34,000. अरे रमा क्या हो गया? 34,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,000. राइट बेटा, नेक्स्ट कौन सी चीज है आपके पास? क्या है? ये डिस्काउंट है ना, ये फिक्टिशियस असेट होती है, ये कहां ट्रांसफर होती है? फिक्टिशियस असेट कहां पर ट्रांसफर होती है? शेयर होल्डर. Agreed or not? It has to be transferred to shareholder account. So come down to this. मैंने और एक account बनाना है. कौन सा? Shareholder account. जिस speed से मैं बना रहा हूं आपने भी बनाना है shareholder account. तो shareholder account के debit side में हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे discount on issue of. बहुत प्यारा बच्चा है तू. कितना है बेटा? 6,000. Done. प्लीज टिक मार्क 6,000 ऑल्सो. बेटा शेयर कैपिटल कहां पर ट्रांसफर करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर. कर देते क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल. 2,00,000 है क्या? और कौन से है? शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व फंड. हम क्या लिखेंगे? बाय रिजर्व फंड. बताओ जरा कितना है? कितना बता रहे बेटा? 20,000. नेक्स्ट कौन सा है? बाय. और कुछ है क्या? और कोई रिजर्व फंड नहीं? सीआर वगैरह कुछ नहीं है? नहीं है, नहीं है, किसी को मत बताना. बाय रिजर्व फंड. एग्रीड बेटा. अभी लाइबिलिटीज के नाम तो पढ़ो, कौन सी है? डिबेंचर 5% लोन और क्या है? क्रेडिटर्स. लोन है और क्रेडिटर्स. इनमें से कौन सी चीज नई वाली कंपनी लेकर जा रही है? उतनी चीज रियलाइजेशन में लेके जाओ. उतनी चीज कहां लेके जाओ? रियलाइजेशन. ठीक है, आज और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स. कितना है छोरे? 80,000 इज व्हाट यू से? यस. और दो कौन से ऐसे अकाउंट है जिनको वो लेकर नहीं गए? डिबेंचर्स और लोन. अकाउंट बना देते हम अपना अपना. लोन फ्रॉम डायरेक्टर. जरा बताओगे क्या कितना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000. ओके, और नेक्स्ट कौन सा है? 5% डिबेंचर्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा बेटा? 1,00,000. आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स दैट इंक्रीज योर फ्री हैंड ड्रॉइंग ऑल्सो. लाइन स्ट्रेट मारा करो सो दैट एग्जाम में आप इसी स्पीड से कर पाओ. हाँ देखो ना, अभी लाइन स्ट्रेट मार दी, इतना तो काफी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. अकाउंट्स का पेपर नहीं तो बहुत रेयरली कंप्लीट होता है. ए दादा ठाकुर यहां तक आ गए? क्या किया? बैलेंस शीट को खाली कर दिया. अब बैलेंस शीट को खाली करने के बाद में पहले क्या करना सिखाया मैंने आपको? पीसी ड्यू. पीसी ड्यू बनाते हैं बेटा. कितनी पीसी बनी है? आवाज नहीं आ रही है. 3,02,500. सो बेटा इधर किसका नाम लिखेंगे? बाय. क्या नाम है उस आदमी का? कितनी प्यारी बात करते हो. बाय स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 3,02,500. स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा. यस, फुर्ती से स्ट्रॉन्ग लिमिटेड. कितनी प्यारी बातें करते हो. फिर वापस टू रियलाइजेशन अकाउंट. बताओ जरा कितना है? कितना? 302,500.
पूछो इस नलायक से क्या दे रहा है तू मुझे, क्या दे रहा है? कैश और शेयर्स। सो वो दे रहा है कैश और क्या दे रहा है? बाय शेयर्स इन स्ट्रांग लिमिटेड। इसमें से एक अकाउंट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, कैश। एक अकाउंट मौजूद नहीं है, उसको जन्म देना पड़ेगा। कैश कितना है और ये कितना आएगा? 1,52,500। ये टैली मारता है, सही है ना? इसकी सेकंड पोस्टिंग करनी पड़ेगी गांव वालों। कैश के डेबिट साइड में टू क्या लिखेंगे? स्ट्रांग लिमिटेड। कितना? 1,50,000। उससे कैश मिली 1,50,000। और एक नया अकाउंट को जन्म देंगे क्या? शेयर्स इन स्ट्रांग लिमिटेड। कितने प्यारे बच्चे हो तुम। शेयर्स इन स्ट्रांग लिमिटेड, हां शेयर्स इन स्ट्रांग लिमिटेड। फिर सो मैं लिखूंगा टू स्ट्रांग लिमिटेड। कितना आएगा बेटा जी? 152,500। बिल्कुल घाई नहीं करने की, बिल्कुल घाई नहीं करने की। कंपनी को लिक्विडेट कर दो। लिक्विडेट करने के लिए कुछ खर्चा हुआ है कि? देखो बेटा क्या खर्चा हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए क्या? 4,000। एंट्री क्या बताई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एग्रीड? क्योंकि ये कौन बियर कर रहा है? ट्रांसफरर। और पे भी कौन कर रहा है? ट्रांसफरर। आ जाइए आप रियलाइजेशन अकाउंट में। टू क्या? कैश इन द ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बताओ भाई कितना है? 4,000। इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैश के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। राइट सर? बेटा नाउ बिकम लिटिल टेक्निकल। व्हाट आर यू डूइंग? यू मेड द फर्स्ट एंट्री ऑफ बैलेंस शीट खाली, सेकेंड एंट्री माय डियर फ्रेंड पीसी ड्यू, थर्ड एंट्री जिनसे जो पीसी मंगानी थी वो पीसी मंगाई। एग्रीड और नॉट? रियलाइजेशन एक्सपेंस। नाउ यू कैन नॉट मेक द पेमेंट डायरेक्टली टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि आपके पास दो लाइबिलिटी ऐसी है जो वो टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा अकेला छोड़ नहीं सकते। तुम्हारी अगर कंपनी बंद हो रही है तो आपको पहले उस लाइबिलिटी को सेटल करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी दो लाइबिलिटी जो दो तुम्हारे बुक में खुली पड़ी हुई है? लोन और डिबेंचर। जो तुम्हारे पास कैश आई है और जो तुम्हारे पास क्या है? शेयर्स। कैश और शेयर्स में से पहले उनका भुगतान करेंगे, पहले उनका पेमेंट करेंगे। से यस। सो बेटा आ जाइए लाइबिलिटी के पास। लाइबिलिटी को बोलो डायरेक्टर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, हाँ या नहीं? उसको बोलने का छोटू तेरा पेमेंट कर दे टू कैश, तू खुश रहे, 40,000 लेके भाग जा। अब बेटा मैं आपका रियलाइजेशन पहले क्लोज क्यों नहीं किया? ऐसा हो सकता है कि 40,000 को आपने पेमेंट 39,000 ही किया हो, या 40,000 को आपने पेमेंट किया 42,000, हो सकता है। जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट और लॉस है ऑन सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी। दैट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट इज द लास्ट सेकेंड स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप। मतलब शेयर होल्डर को क्लोज करने के एक स्टेप पहले वो काम करने का। ऐसा हो सकता है ना कि 40,000 को 40,000 नहीं दिया हो, यू हैव गिवन 41,000। सो वो 1,000 लॉस हो गया ना, दैट लॉस विल गो वेयर? इट विल हिट द रियलाइजेशन अकाउंट। इट देयर कुड बी अ प्रॉफिट ऑल्सो। सो रियलाइजेशन अकाउंट को कभी पहले क्लोज ना करें। इट इज ओनली द सेकेंड लास्ट स्टेप। शेयर होल्डर लास्ट स्टेप है, उसके पहले रियलाइजेशन को क्लोज करना। हाउ? चलो नेक्स्ट वो कौन है? डिबेंचर। इसको क्या करने का? टू कस ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बोल कितना है? 1,00,000। बोला नहीं है कि एट प्रीमियम रिडीम करना है, तो हम क्यों करें भाई? एट पार कर भाई। ढोकले का क्वेश्चन देखो सर, 5% डिबेंचर्स है, उसका इंटरेस्ट का एंट्री क्यों नहीं किया? ये है ना 11th स्टैंडर्ड के प्रोफेसर के है ना प्रॉब्लम है, हिडन एडजस्टमेंट। यही याद कराते थे ना सर,
5%, लुक दैट इज हिडन एडजस्टमेंट. होपलेस चैप, ये जो बैलेंस शीट तुमको दी गई है ये एज ऑन दैट डेट है. अगर एज ऑन दैट डेट है, जिस दिन अमालगमेशन हुआ, अगर एक्रूड इंटरेस्ट होता तो बैलेंस शीट में आता, नहीं आया इसका मतलब पेमेंट हो चुका है. बराबर है ना, बैलेंस शीट में अगर इंटरेस्ट होता तो आता ना भाई, नहीं दिया मतलब आ गया. नहीं, बात से सहमत नहीं है तुम मेरी. हाँ, मगर जो तुम 11th में करते थे ना, तो सर फिर 11th में क्यों कराते थे मास्टर? क्योंकि अभी 11th में वो ट्रायल बैलेंस होता था, यहां पर बैलेंस शीट है. और ट्रायल बैलेंस में अगर इंटरेस्ट नहीं दिखता था तो एग्जामिनर बोलता था हिडन एडजस्टमेंट, और फिर तुम करके आ जाते थे. खैर, गोली मारो. अभी कैश पब्लिक बैंक के पास आ जाओ. इधर क्या लिख दूं? बाय किसको किसको पेमेंट किया है? लोन फ्रॉम डायरेक्टर. ये सीपीटी क्यों नहीं लिख रही रहे? हो गया? अगर नहीं हुआ ना, मैं 5-5 बार लिखूंगा, क्लास में जाने नहीं दूंगा. ठीक है, बाय लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड बाय ए डोकरे. क्या लिखेगा? 5% डिबेंचर्स. कितना लिखेगा? 1 लाख. डन डना डन. मेरी एक छोटी सी मुश्किल हल कर दो. अब क्या करने का? क्या हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं क्या? यस, दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप. क्योंकि अभी हमको किसको पेमेंट करना है? शेयर होल्डर. उसके पहले रियलाइजेशन को क्लोज करो. रियलाइजेशन से पूछो क्या हुआ है तुम्हारा, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस. सो ये कहा जाएगा? बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. अपने दिल पर पत्थर रखकर ये लॉस को ट्रांसफर करो शेयर होल्डर को. 21,500 भरोसा किया जा सकता है ना? 21,500. प्यारे प्यारे बच्चों, इस 21,500 को किधर पेश किया जाए? शेयर होल्डर अकाउंट. तो मैं आया शेयर होल्डर अकाउंट के पास, तो इधर क्या लिखेंगे? टू. आवाज नहीं आ रही. टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितना है बेटा? 21,500. जरा बताएंगे आप मुझे, बताएंगे क्या कि क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है. अब जरा जाके देखो, कैश और शेयर होल्डर का अगर पैसा मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो हमारे दोनों अकाउंट टैली हो जाते, कि चेक करो. सो बेटा, कैश कितनी बची है? कैश को बोलो चलो हम आपको शेयर होल्डर को दे देते. बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर. जाहिर सी बात है, लास्ट में पैसा किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास. बताओ बेटा कितना आ रहा है? हाँ, थैंक यू सो मच. 42,500. बेशरम लड़की. 40,500. सिर्फ 40,000. और मां कसम 500 में भी गोल कर दिया. 500 आए कैसे? ओह, 500 कैसे लेके आई छोरी? कमाल है, कुछ भी कर सकती है. 40,000 आए क्या? दूसरा, अरे दूसरा कौन सा है वो? अबे इक्विटी शेयर्स को करेगा नहीं क्या? शेयर्स इन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड. बाय शेयर होल्डर अकाउंट. दोनों को ट्रांसफर करना है ना? आपके पास जितनी भी एसेट है किसको ट्रांसफर कर देंगे? शेयर होल्डर. एक क्या थी? कैश. और एक क्या था? शेयर्स. जॉनसन बेबी कहां जाएगा फिर? अभी है शेयर होल्डर अकाउंट. बाय ओरिसा. बता कैसे लिखेंगे? बाय कैश 40,000 और बाय इक्विटी शेयर्स इन. अरे हाँ, सॉरी टू कैश. मेरे में वैष्णवी घुस गई अभी. 240,000 और टू क्या आएगा? इक्विटी शेयर्स इन स्ट्रॉन्ग. कितना बेटा? 152,500. डज इट टैली? यस. सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सीक्वेंस लिखे कि तुमने क्या क्या सीक्वेंस फॉलो किया, कौन से सीक्वेंस में एंट्रीज की. सीक्वेंस लिखेंगे सब लोग, पहले एंट्री किसकी की? और कोई नहीं देखेगा पीछे क्या किया.
और मैं किसी को भी पूछूंगा पहली सीक्वेंस में एंट्री क्या की इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, मुझे सीक्वेंस चाहिए इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, आई वॉन्ट द सीक्वेंस टू बी रिटन बाई यू. सीक्वेंस जिस बच्चे को आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ गई समझ लेना, मोबाइल अंदर रख. इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर सीक्वेंस लिखे, फॉर एग्जाम्पल पहले बैलेंस शीट खाली करना, पहले बैलेंस शीट खाली करना. कौन सी वैल्यू पर बैलेंस शीट खाली होती है? बुक वैल्यू. और ध्यान रहे खाली कहां पे करना, यह भी एक मजेदार बात है. रियलाइजेशन अकाउंट और जो असेट टेक ओवर नहीं हो रही है वो अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स खोलकर वहां पे खाली करना पड़ेगा. एग्रीड? जैसे अपनी इस क्वेश्चन में दो लाइबिलिटीज को उन्होंने टेक ओवर नहीं किया तो हमने उनको रियलाइजेशन अकाउंट में खाली ना करते हुए उनका इंडिपेंडेंट अकाउंट बनाया. यस, तो स्टेप नंबर वन आपको बताया. असेट्स और लाइबिलिटीज को खाली करने के बाद में, शेयर होल्डर को खाली करने के बाद में सेकेंड स्टेप क्या थी? स्टेप नंबर टू, पीसी ड्यू. उसके लिए पीसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. पीसी ड्यू कहां पे बनाते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट में और पर्सनल अकाउंट के डेबिट में. फिर उस पर्सनल अकाउंट को बोलने का तो क्या दे रहा है मुझे? रिसीव द पीसी. सो यू गॉट द पीसी, यू गॉट शेयर्स. डू यू एग्री और नॉट? यू गॉट दी शेयर्स. व्हाट इज थर्ड स्टेप यू डिड? किसने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस किए? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किए, खर्चा किया. अब कभी भी आप इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट पहले नहीं करेंगे, पहले जो आपकी लाइबिलिटी है उनको सेटल करोगे. दो लाइबिलिटीज थी, एक डिबेंचर और एक लोन फ्रॉम ए, उन दोनों को सेटल किया. अगर उनके सेटलमेंट में कोई ऊंच नीच हुई, कोई प्रॉफिट हुआ या कोई लॉस हुआ, तो वो कहां पे दरवाना होगा? रियलाइजेशन. फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस किसको ट्रांसफर होगा? शेयर होल्डर. और लास्ट में आप एंट्री करोगे शेयर होल्डर के अकाउंट को क्लोज करने की. किसके साथ? विथ द असेट विच यू हैव गॉट. यू हैड टू असेट, वन वॉज कैश एंड द अदर वन वॉज इक्विटी शेयर्स. ठीक है, चलो ड्यूड सीक्वेंस बताओ. क्या क्या सीक्वेंस लिखा तुमने? एम्प्टी करने का. कौन सी वैल्यू पर करेगा? बुक वैल्यू. घर में मम्मी को बोलेगा ऐसा, बुक वैल्यू पर करेंगे हम. हाँ, गुड. नेक्स्ट पीसी ड्यू. ओके, पीसी ड्यू जो करेंगे वो कौन सी वैल्यू पर होती है जनरली? पीसी ड्यू कौन सी वैल्यू पर होती है जनरली? पीसी कौन सी वैल्यू पर कैलकुलेट होती है? मार्केट वैल्यू. वेरी गुड, पीसी ड्यू. नेक्स्ट, फिर पीसी रिसीव. क्या क्या दे रहे हैं? मंगा लो. फिर उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री कर दो. हाँ, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? जो लाइबिलिटीज है जिसको टेक ओवर नहीं किया उसको सेटल करोगे. पहले एकदम चले नहीं जाने का शेयर होल्डर के पास कि हमको हमारा पैसा दो ना, पहले लाइबिलिटीज का पेमेंट होना चाहिए एज पर द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग. फिर क्या करेंगे? अगर लाइबिलिटीज को सेटल करते हो प्रॉफिट या लॉस हुआ तो कहां ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन. वेरी गुड, फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस कहां पे? शेयर होल्डर. और फिर जितनी भी आपके पास असेट बची हो किसको बांट दोगे? शेयर होल्डर. ठीक है ठाकुर साहब, ठाकुर साहब सही बोलते हैं, समझ में आया ना? अरे ढंपिया सुन अभी मेरी अगली बात. तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं, मैं बताता हूं. मैं अब ये कह रहा हूं कि इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी क्या एंट्री होती है. मुझे पहले सीक्वेंस बता दो. इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी पहले धंधा कितने में बाय किया उसकी एंट्री होगी, फिर किसकी एंट्री होगी? असेट्स को खोल देंगे. कौन सी वैल्यू पर? मार्केट वैल्यू पर. और फिर क्या करेंगे? थर्ड एंट्री, इश्यू ऑफ द कंसीडरेशन, व्हाट एवर यू आर गिविंग. फिर तुमको पता है ना क्या करने का? ये दोनों इधर आ जाते हैं. क्या बोलेंगे? आईला तू भी इधर, मैं भी इधर, कैंसिल करते, इंटर कंपनी होविंग्स. वेरी गुड. और फिर क्या करने का?
स्टॉक की वैल्यू कम हुई या ज्यादा हुई, व्हाटएवर, बिकॉज ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन इट शुड बी ब्रॉट टू दी कॉस्ट। इसमें कोई डिबेंचर कन्वर्ट हुए क्या? नहीं हुए। आगे किसमें आएंगे? अगर डिबेंचर कन्वर्ट हुआ कुछ तो उसके कन्वर्जन की भी एंट्री इधर ही आएगी। से यस। सो बेटा मेरा साथ दो, पहली एंट्री आप मेरे साथ करेंगे। पहली एंट्री बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट में सीए बन गया हूं, तुम नहीं बने हो। मैं बीपी लिख सकता हूं, तुम नहीं लिख सकते। हाँ तो बनने वाले तो फिर लिख बेटा, फिर कभी नहीं बनेगा। लिक्विडेटर ऑफ व्हाट? ट्रांसफरर अकाउंट ले, अभी लिखेगा ढूंढ जन्नत कर, मेरे को टॉर्चर जितना कर सकता है उतना। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट कितना है? 3,02,500। जॉनसन बेबी अगर अभी बातें की ना, 3,02,500 ठीक है। सेकेंड एंट्री असेट, कौन सी वैल्यू पर एक्वायर करेगा ड्यूड? मार्केट वैल्यू। जनरली ये वैल्यूज कहां पे आपको देखने को मिलती है? जहां पे आपने पीसी कैलकुलेट की वहीं पे होती है ये। हाँ नहीं, अब बैलेंस शीट में मुंह मत मारना कि बैलेंस शीट में दिखती है क्या। बैलेंस शीट में कब मुंह मारना? जब ट्रांसफरर के बुक्स में एंट्री करते हो तब। बराबर है क्या? नहीं, यस। सो बताओ मुझे क्या है कि फर्स्ट एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 50,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 76,500। ओके नेक्स्ट पी एंड एम अकाउंट 1,44,000। स्टॉक, यू आर सच ए लवली पीपल, 49,500। नेक्स्ट डेटर्स अकाउंट कितना आएगा? 58,500 क्या? नेक्स्ट टू सेंड्री क्रेडिटर्स हाउ मच? 76,000। यस टू बिजनेस परचेस 3,02,500। सरकार देखो जरा टैली होती है क्या आपकी एंट्री। टैली होनी चाहिए। हो गया क्या टैली? अब बेटा क्या करने का? थर्ड एंट्री जो उनको देना है दे दो। लिक्विडेटर ऑफ वीक लिमिटेड, वेरी गुड बेटा। कितना आएगा वीक लिमिटेड? 3,02,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वेरी गुड सर जी, 12,200 इंटू रुपीज 10, इट विल बी 1,22,200 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 12,200 इंटू 2.5 30,500 और टू कैश 1,50,000। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम डूइंग। जो दिया है उसकी एंट्री कर रहा हूं। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री आती है इफ द इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। ड्यूड व्हाट इज द फोर्थ एंट्री विच वी नीड टू डू? अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा वापस, क्योंकि तीन एंट्रीज तक हम आए। फोर्थ एंट्री इंटर कंपनी ओविंग्स और फिफ्थ एंट्री स्टॉक को कम करने के, ठीक है? तो यदि आप रेडी होंगे तो हम चले क्वेश्चन को पढ़ते हो। तो देखो तो सर क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने ये बोला है वीक लिमिटेड हैड सोल्ड प्रायर टू 30th June 2011 गुड्स कॉस्टिंग 30,000 टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर 40,000। वीक ने स्ट्रॉन्ग को माल बेचा 30,000 का 40,000 में, एग्रीड? इसको अंडरलाइन करके लिख दो, नो एंट्री इन द अमालगमेशन। इसकी कोई एंट्री नहीं होती।
अगर वो स्टॉक बच गया तो एंट्री होती है। जरा फील करो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक फील नहीं किया तुमने, जिन्होंने नहीं किया उनको करा रहा हूं फील, तू मत करना ओके। यहां पे वीक लिमिटेड है और स्ट्रांग लिमिटेड है बेटा। 30,000 का कॉस्टिंग का माल ये 40,000 में बेचा, से यस बेटा। अगर ये माल खरीद लिया संतोष ने, सो बेटा जी ये स्ट्रांग लिमिटेड के पास प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज नॉट देयर, देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड डू एनी एंट्री इन व्हाट अमलगमेशन, क्योंकि स्टॉक अपने पास है नहीं, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी, द प्रॉफिट इज ऑलरेडी रियलाइज्ड। समझ रहे हो, कॉस्ट 30,000 थी, 40,000 में बेचा, ये पाप नहीं किया कुछ, बेच दिया 40,000 में, ये तुमने वापिस किसी और को पलटा डाला माल, किसी और को बेच डाला, तो बेटा तुम्हारा प्रॉफिट तो रियलाइज हो गया ना, तुम्हारे पास स्टॉक है ही नहीं अभी, तो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ ये लफड़ा हुआ कि तुमने 30,000 का माल इनको 40,000 में बेचा, इसमें से 20,000 का माल बिक गया, 20,000 अभी भी बचा है तुम्हारे पास स्टॉक, तो बेटा इस स्टॉक का आपको क्या रिवर्स करना पड़ेगा, लोडिंग स्टॉक रिजर्व, यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द असेट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, द वैल्यू विच इज रिमेनिंग। तो इसके लिए रूल सिंपल है, क्या करते है? देखो 20,000 का मान लो माल बच गया, 20,000 का, तो बेटा ये 20,000 का बच गया तो उसकी कॉस्ट कितनी है 15,000, तो उसका अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है 5,000, से यस और नो। तो चलो पढ़ते हैं वो दोनों ट्रांजेक्शन, वो क्या कह रहे हैं, वीक लिमिटेड हैड सोल्ड प्रायर टू 30th June 2011 गुड्स कॉस्टिंग 30,000 टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर 40,000, कोई पाप थोड़ी ना कर दिया, बेच दिया बेच दिया। अब पढ़ो उसके नीचे, यहां पर ₹25,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर स्टिल इन स्टॉक ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, मतलब अभी तक कितने का माल बचा है, 25,000 का माल बचा हुआ है किसके पास, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, हां या ना, 25,000 का माल। तो बेटा कैसे करते, देखो ये 30,000 का कॉस्ट है, कितने में बेचा, प्राइस सेलिंग प्राइस में कितने में, 40,000 बेटा, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के पास वो पड़ा हुआ है कितने का, 25,000 बेटा। कई बार वो एग्जामिनर कंफ्यूजन कैसे करता है, वीक लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज सॉरी कॉस्टिंग 30,000 टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर 40,000, ये बराबर यही सेंटेंस रहेगा जो आपके क्वेश्चन में, फिर क्या लिखेगा, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, परचेस फ्रॉम वीक लिमिटेड इज लाइंग इन स्टॉक। अब कॉस्टिंग टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड मीन्स व्हाट, सेलिंग प्राइस ऑफ वीक, तो वर्डिंग बराबर से पढ़ना, जिसको माल बेचा है अगर उसकी कॉस्ट बता रहे, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपनी विच हैज सोल्ड, यस और नो। तो ये बेटा इधर ही लिखना पड़ेगा 25,000, इन 99% केस ये इधर ही लिखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस के पास, यस और नो। इन ओनली 1% केस द एग्जामिनर माइट बी रथलेस एंड ही माइट से गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 टू वीक लिमिटेड आर स्टिल इन स्टॉक, बट वेरी वेरी रेयरली दे आस्क यू, जनरली वो क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग इन द हैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, मतलब जिसको बेचा उसी के लिए कॉस्ट रहेगी ना वो। सो ये क्या आएगा, एक्स कितना आ रहा है ढंपिया, 18,750, सो व्हाट इज द प्रॉफिट एलिमेंट, 6250। तो बेटा आपको स्टॉक को वैल्यू कम करना पड़ेगा, आपको स्टॉक की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, किसके वजह से कम कर रहे हो, किसकी वजह से कर रहे हो, कौन सी ऐसी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से आपको उनका स्टॉक आपके पास लेके आना पड़ा, या वो दोनों एक हो गए, अमालगमेशन। तो बेटा जी अमालगमेशन के वजह से स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है आप इसको एडजस्ट कहां पे करोगे, गुडविल या सीआर, गुडविल या सीआर। यहां पर बैलेंसिंग फिगर कौन सा आया था, या कौन सी चीज आई थी, गुडविल आई थी, चेक करो गुडविल आई थी ना, सो आप एंट्री क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, यू आर राइट सो, एकदम कड़क। अरे देवा, कैन आई मेक एन एंट्री, बता दो यार कैसे एंट्री होती है,
व्हाट इज थर्ड एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? स्टॉक कितना है बेटा? 6250. जिनको लिखना है इन द ब्रैकेट लिख देने का. क्या कितने का माल बेचा? 30,000 का. कितने में बेचा मियाँ? 40,000 में. वो बोल रहे हैं हमारे पास 25,000 का माल बचा है पोट्टे, तो ये कितना x? सो ये कितना आता है? 18,250. इन दोनों का फर्क कितना होता है? 6250. ठीक है क्या? 6250 की एंट्री कैसे? ये हमेशा एंट्री ऐसे ही होगी. गुडविल की जगह पे दूसरा आ जाएगा सीआर. अच्छा कान खोलकर सुन लो गांव वालों, डेटर्स और स्टॉक का लेना देना नहीं होता. ऐसा तुम्हें लगता है डेटर्स और स्टॉक का लेना देना, कुछ भी लेना देना नहीं, दूर दूर तक का लेना देना नहीं. समझ में आया कि नहीं? डेटर्स एंड स्टॉक आर नॉट रिलेटेड आइटम. डेटर्स एंड स्टॉक आर नॉट रिलेटेड आइटम. सो हाउ डू यू मेक एन एंट्री फॉर दैट? अपनी एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, दैट इज व्हाट? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. बेटा कितने के क्रेडिटर्स है कॉमन? ये पढ़ो देखो, डेटर्स इंक्लूड 20,000 स्टिल ड्यू फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड. अगर हो सके तो कोशिश करना कि स्टॉक की और डेटर्स के एडजस्टमेंट साथ में ना पढ़ो, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशन. अगर मैं आज इससे उधार बाय करता हूं 40,000 का माल, इसको पैसे देने बाकी है, बट मैंने वो माल बेच दिया, मेरे पास स्टॉक नहीं है, मगर हम दोनों का तो बैलेंस रहेगा ना. उल्टा भी हो सकता है, मैंने इससे माल बाय किया, इसको कैश दे दी, मेरा माल अभी तक बिका नहीं, मेरे पास स्टॉक पड़ा है. डेटर्स एंड स्टॉक आर नॉट रिलेटेड आइटम, दे आर नॉट रिलेटेड आइटम. एग्रीड? यस. सो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू डेटर्स अकाउंट 20,000. एग्रीड? अब तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या? ये इसमें एक थोड़ी सी और एक ट्रिकी एंट्री बता देता हूं, थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए. ये रट्टा मारने वाली जैसी चीज होगी, देखते कितने बच्चों को समझ में आता है मैं अगली बात जो बोल रहा हूं. रेडी है? क्या होता है? डेटर्स ऑफ 20,000 आर सेटल्ड अगेंस्ट क्रेडिटर्स ऑफ 23,000. डेटर्स ऑफ 20,000 आर सेटल्ड अगेंस्ट क्रेडिटर्स ऑफ 23,000. तो बताओ एंट्री कैसे होगी? क्रेडिटर्स 23 से गायब होगा, डेटर्स 20 से गायब होगा, बैलेंसिंग फिगर गुडविल या सीआर. बहुत रेयरली होगा मगर हो सकता है, बहुत बहुत रेयरली, बट पता रहे कि ऐसा भी हो सकता है. तो ध्यान से पढ़ना, हमेशा अमाउंट सेम ही रहेगी जरूरी नहीं है. Let's see, move on. ये कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर फोर्थ. बेटा एक काम करते, दो कंपनियां मिलकर एक कर देते उनको, है? यो, आई विल नाउ टेक यू अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नाइन्थ क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई विल डिवोट सम टाइम टू यू, कैलकुलेट ऑन योर सेल्फ व्हाट इज पीसी. क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आपके हवाले, पढ़िए क्या मीनिंग समझ में आता है. क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आपके हवाले, कैलकुलेट द पीसी फॉर मी एंड वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक टू मी, यू नीड टू बी लॉजिकल, यू कैन नॉट बी मैकेनिकल. व्हाई यू आर डूइंग सो, यू नीड टू गिव मी द लॉजिक.
चलो पढ़ लेते फिर इशू क्या है उसमें. तुमको इशू पता चला क्या? व्हाट इज द प्रॉब्लम देन इन दिस पीसी? तुम बोल रहे हो कि डायरेक्टली गिवन है. व्हाट इज द इशू? यस किसी को और कोई प्रॉब्लम आई फेस हुई? देखो पीसी तुमको टोटल दी क्या? आबाद और नाबाद दोनों को एक्वायर करने की. इन दोनों के शेयर होल्डर को कितना देंगे इंडिविजुअल? इंडिविजुअली कितना देंगे ये निकाल पाए क्या कोई? कैसे निकाला? हाँ तुम्हारा ओके दैट कुड बी अ लॉजिकल वर्डिंग. तुम्हारा लॉजिकल नहीं क्योंकि तुमने पीसी की डेफिनेशन की वाट लगा डाली. देखो पीसी के डेफिनेशन में ऐसा कुछ था क्या कि जो लाइबिलिटीज को दिया वो पीसी होती है? समझ में आया कि नहीं? तो तुम्हारा बोलने का तरीके में ही वो प्रॉब्लम हो गई. चलो अब क्वेश्चन मैं ही पढ़ूंगा बट टू कंपनीज आबाद एंड नाबाद लिमिटेड amalgamate and form a new company, Kamyab Limited. The position of these two companies as on 31st December 2010 was as under. Okay? Abad ka paid up capital, P&L account, debenture, creditors, goodwill, stock or debtors. Aur beta Nabad ka paid up capital, equity share, P&L account, creditors, stock or debtors. The average profit of Abad and Nabad Limited have been 30,000 and 20,000 respectively. अब ये एवरेज प्रॉफिट क्यों दिया साला? अभी तो कुछ बोला नहीं है बट एवरेज प्रॉफिट बताया. वी डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन अस द एवरेज प्रॉफिट. ओके कामयाब लिमिटेड एग्रीज विद द टू कंपनीज टू टेक ओवर बोथ द कंसर्न्स फॉर अ सम ऑफ ₹6 लाख. मां कसम क्या बोला? कामयाब लिमिटेड एग्रीज विद द टू कंपनीज टू टेक ओवर बोथ कंसर्न्स फॉर अ सम ऑफ ₹6 लाख इन एंड इन एडिशन टू डिस्चार्ज ऑल लाइबिलिटीज ₹1 lakh to be paid in cash and the balance in shares at the face value. तो मतलब discharge उन्होंने क्या बताया कि 6 लाख रुपए जो है देना है दोनों कंपनी को, उसमें से 1 लाख कैसे दिया जाएगा? कैश में. और बचा हुआ क्या दिया जाएगा? शेयर्स. और वो कैसे इश्यू किए जाएंगे? एट फेस वैल्यू. दोनों ही कंसर्न को उठा लेगी, आबाद और नाबाद लिमिटेड को. और जब आबाद और नाबाद दोनों को उठाएगी तो पूरा का पूरा उठाएगी, मतलब असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों. इसीलिए वो शब्द है. एंड इन एडिशन टू डिस्चार्ज ऑल द लाइबिलिटीज. क्या बोला? एग्रीज विद द टू कंपनीज टू टेक ओवर बोथ द कंसर्न्स फॉर अ सम ऑफ ₹6 लाख एंड इन एडिशन टू डिस्चार्ज ऑल लाइबिलिटीज. मतलब लाइबिलिटीज को भी डिस्चार्ज करेंगे. एग्रीड और नॉट? मूविंग ऑन, धीरे से चलो. इट इज एग्रीड दैट डेटर्स ऑफ आबाद एंड नाबाद लिमिटेड बिफोर बींग टेकन ओवर बाय कामयाब लिमिटेड विल बी रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द रिस्पेक्टिव बुक फिगर्स. कहां बड़ी बात है, डेटर्स की वैल्यूएशन दे रखी है आपको 10%. द प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन, मां कसम ये क्या चीज थी बे. द प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द शेयर होल्डर्स ऑफ आबाद लिमिटेड एंड नाबाद लिमिटेड इन द सेम प्रपोर्शन एज द प्रॉफिट प्रीवियसली अर्न्ड बाय देम. वो एवरेज प्रॉफिट उसके लिए दिया है, वो बात सही. बट साला प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन मतलब क्या? यू आर रिक्वेस्टेड to draw purchase account, that is business purchase, on the completion of transfer in the books of Kamyab Limited and also show share capital account in Abad and Nabad Limited, how it should be closed. So lovely question. Any clues whatsoever? What is this profit on conversion? I'm talking about what is that profit on conversion? Yeah. How the balancing figure would be adjusted. That's right. मतलब जब हम आबाद और नाबाद लिमिटेड की सारी assets और liabilities ले लेंगे, agreed? तो जो बचा, मतलब मान लो assets और liabilities की valuation अभी आपको दी है, वो आप उनको दे दोगे, PC आपको मिल जाएगी, तो उनके दोनों के बीच में जो फर्क रहेगा, that is profit, that is goodwill for कामयाब, but that is what? Profit for what?
आबाद एंड नाबाद. सो दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट 3:2 कॉलर रेशियो. एग्री. अब यहां तक भी ठीक था यार, कोई दिक्कत नहीं कि मतलब पीसी दोनों की कितनी होगी ये समझ में आया. मगर एक बार पीसी आ गई तो अब समझ में नहीं आ रहा कैश किसको कितनी दूं और शेयर्स किसको कितने दूं. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात देन में, किसको कितनी कैश दूं और किसको कितने शेयर्स दूं. सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट विच यू शुड अंडरस्टैंड लॉजिकली. शैल वी सेट. कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सब बच्चा समझने की कोशिश करेगा. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9th. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th आपकी सेवा में. क्वेश्चन नंबर 9th. ओके. कोई बच्चा नहीं लिखेगा, सब बच्चा समझेगा. अच्छा अब मुझे बताओ कौन सी असेट्स की वैल्यू दी है. गुडविल दिया है क्या? राइट. कितना दिया है गुडविल आपको? कहां पे दिया है गुडविल का वैल्यू बेटा जी? गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है बैलेंस शीट में. डन बेटा जी. अब हम होपलेस है, मतलब होपलेस मतलब हेल्पलेस है. क्या करूं? मुझे किसी की भी मार्केट वैल्यू नहीं दी है. मार्केट वैल्यू नहीं दी तो मैं क्या करूं अभी? आई विल टेक एट द बुक वैल्यू ओनली. सो बेटा गुडविल 70,000, नाबाद की निल. स्टॉक कितना है? स्टॉक कितना बेटा देख? 1,80,000. और नाबाद का कितना बेटा? 80,000. टोटल कितना है? 260. बेटा फिर नेक्स्ट असेट कौन सी है बैलेंस शीट में? देखो डेटर्स. बेटा डेटर्स के बारे में कुछ बताया है? कितना परसेंट राइट ऑफ करना है बेटा? करो राइट ऑफ और मुझे फिगर बताओ. 1,80,000 और इसका कितना है? 2,20,000 माइनस 1,98,000. मैं जनरली इसको आरडीडी माइनस करके लिखता हूं. सो बात वही हो गई, हाँ या नहीं? तो ये दो लाइन अगर आप नहीं चाहते हो तो इसको मैं हाइड कर देता हूं इधर से. हाइड ठीक है ना? अब क्या आएगा? टोटल ए देख लो. टोटल 7,08,000 आ रही है क्या? डन डना डन. अच्छा आगे क्या है बेटा? लाइबिलिटीज कौन सी ली है जरा देखो. आबाद की लाइबिलिटी कौन सी है बेटा? कितना? डिबेंचर. कितने बेटा? 70,000. और बेटा नाबाद क्या है? कुछ नाबाद के डिबेंचर से क्या? निल. और बेटा फिर क्या है? क्रेडिटर्स. आबाद के कितने बेटा? 30,000. और नाबाद के कितने? 50. लवली. 88,000 टोटल. अब बेटा जी 7,08,000 माइनस 1,58,000 कितना आ रहा है? 7,08,000 माइनस 1,58,000 कितना आ रहा है? 5,50,000. जाहिर सी बात एकदम सिंपल है. नेट असेट जो कामयाब को मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 5,50,000. मगर वो कितना दे रहा है पीसी? 6,00,000. सो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन टू आबाद एंड नाबाद? 50,000. वी नीड टू नाउ कंपेयर द टोटल, यस और नो? आई रिपीट, यू नीड टू नाउ कंपेयर दिस टोटल. बेटा टोटल में देखो खुद ही, आबाद और नाबाद दोनों का मिलाकर नेट पीसी आएगा 5,50,000. यस और नो? पीसी कितना दे रहे हैं आप? 6,00,000. सो 6,00,000 का प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 6,00,000 माइनस 550, इफ द प्रॉफिट इज 50,000, इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आबाद एंड नाबाद इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो आबाद को कितना मिलेगा? 30,000. और नाबाद को कितना मिलेगा? 20,000. से यस. ये देखो प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन 30,000 एंड 20,000, 50,000. पहले 50,000 आया फिर वो पीएसआर में बटा. से यस. सो बेटा जी आबाद को कितना मिलेगा पता है क्या? 3,30,000 प्लस 30,000, 360. बराबर है ना? और नाबाद को कितना मिलेगा? 220 प्लस 20, 240. टोटल मिलाकर कितना हुआ? 6,00,000. एग्रीड. अब तुम मुझे पूछोगे सर कैश किसको कितनी दी है? बेटा मैं दोनों ही चीजें कैश और शेयर्स इसी रेशियो में बांटूंगा जिस रेशियो में पीसी आई है. पीसी कौन सा रेशियो आई है? 3:2. 3:2. यस और नो? सो बेटा 1,00,000 जो कैश है वो मैं बांटूंगा आबाद को कितना? 60,000. नाबाद को कितना? 40,000. 3:2. और बेटा शेयर्स भी कैसे बांटूंगा? 5,00,000. 3:2. 3,00,000 एंड 2,00,000. हैव यू अंडरस्टूड दिस? कैश 60-40 एंड व्हाट? इक्विटी शेयर 3,00,000, 2,00,000. ये समझ में आया क्या कैसे है?
मतलब ये वाला पोर्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो, दिस पोर्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो, इन द रेशियो ऑफ पीसी, एग्रीड। और ये कौन से रेशियो में बांटा गया, ये 50,000 इज द फर्स्ट फिगर एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरेज प्रॉफिट रेशियो। ऐसा क्यों सर बोला गया ऐसा, प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन, हमने कितना दिया और हमको कितना मिला। सो इफ दैट इज अ पॉजिटिव फिगर दैट इज प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन। ये बात पहुंची क्या आप तक? पक्का? मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा क्या है प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन। व्हाट एज अ ट्रांसफरर कंपनी वी गेव बोथ टुगेदर, वी गेव हाउ मच 550, व्हाट दे पेड अस 6 लाख, सो द डिफरेंस इज प्रॉफिट फॉर अस 50,000, दिस 50,000 का प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू बोथ ऑफ देम इन द एवरेज प्रॉफिट रेशियो बिकॉज द प्रॉब्लम स्टेट्स 3:2, दैट यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, वंस यू हैव गॉट द नेट पीसी, फिर उसके बाद में कैश और शेयर्स कौन से फॉर्मेट में दू, जिस रेशियो में पीसी आई है उसी रेशियो में दोनों चीजें बटेगी, एग्रीड। यो आगे की प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, एग्रीड। तुम्हें क्या क्या बोला है, शो विच अकाउंट, परचेस अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब जरा मुझे बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्लोज कर रहा हूं, जरा सुनिए बेटा, पहले मुझे बताओ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, जरा देखकर बताओ तो कितना है आबाद का? 3 लाख बेटा। नाबाद का 2 लाख। डू यू ऑल एग्री बेटा? मुझे बताओ। नेक्स्ट, बाय रिजर्व्स है क्या कुछ? बाय पी एंड एल अकाउंट कितना है बेटा आबाद का? 50,000। और नाबाद का? हाँ जी 42,000। डू यू ऑल एग्री? यस, से यस। और क्या है बेटा, और कोई है क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस जैसी चीज, कोई फिक्टिशियस असेट? नहीं, पी एंड एल अकाउंट तो ट्रांसफर कर दी। अब जरा क्वेश्चन में देखो, इस आदमी के पास 4.5 लाख की असेट है, हाँ या नहीं? मेरे कहां गया? इस आदमी के पास 4.5 लाख की असेट है, 4.5 लाख में असेट गई और ये लाइबिलिटी भी वो ले गए, एग्रीड। तो बेटा 4.5 लाख माइनस 70 माइनस 30 कितना आ रहा है? 350, हाँ या नहीं? ये देखो 4,50,000। अरे डेटर्स का फिगर, यस 450 माइनस कितना? 1 लाख। कितना फिगर आ रहा है बेटा जी? 3 लाख। मतलब उनकी जो बुक वैल्यू पर नेट एसेट गई वो कितने में गई? 3,50,000। मगर मिला कितना इसको? 3,60,000। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना है? 10,000। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अलग, प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन अलग, हाँ नहीं? तुम देख लो, बुक वैल्यू 450 है, माइनस लाइबिलिटीज गई कितने की? बुक वैल्यू पर ही 1 लाख। सर फिर उधर ज्यादा क्यों आ रहा था प्रॉफिट? क्योंकि बेटा उधर डेटर्स का फिगर हमने अलग लिया था, इधर कितना आ रहा है? हमने 35,000 ही है ना, सॉरी 3,50,000 ही आ रही ना हमारी बुक वैल्यूज। अच्छा मुझे बताओ फिर अभी कितना मिल रहा है उसको? 3,60,000। व्हाट इज द प्रॉफिट? 10,000। सिमिलरली इसका बताओ कितना आ रहा है? 3 लाख माइनस 58,000। टू लैख 42,000। एग्रीड। उसको मिल कितने रहे? 2,40,000। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस इज हाउ मच? 2,000। बताऊं भी आपको? तो ये देखो, इधर आएगा अपना बाय बाय रियलाइजेशन अकाउंट, आबाद का 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट नाबाद का 2,000 लॉस। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट क्या? नहीं, हाँ या ना? अच्छा कैश कितनी मिली थी आबाद की? 60,000। सो इसको कैश दे दो, ले भाई कैश, ले ले जा कैश। नाबाद को कितनी मिली थी? 40,000। इसको क्या मिले थे? शेयर्स, 2 इक्विटी शेयर्स इन कामयाब लिमिटेड कितना मिला था? 3 लाख। और नाबाद को कितना मिला था? 2 लाख। देखो जरा अकाउंट टैली होता है क्या? 3,60,000, ये तो टैली हो गया। और ये कितना? 2 लाख
42,000 और ये 2,42,000. एम आई कम्युनिकेटिंग? दिस इज विच अकाउंट? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. तो आपको यहां से एक नई सीख क्या मिली कि बेटा जी वो पूरे प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन है और जो रियलाइजेशन प्रॉफिट है जरूरी नहीं दोनों सेम है. प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन इज द टोटल प्रॉफिट विच वी हैव कैलकुलेटेड एग्रीड विद द न्यू वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. हाँ या ना? गुड 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 गुड. अब बेटा जी क्या है बिजनेस परचेस अकाउंट? पहली एंट्री क्या होती है बिजनेस परचेस अकाउंट की? आपको बिजनेस परचेस अकाउंट भी बोला है ना निकालने के लिए. पहली एंट्री क्या होती है? बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ अबाद एंड टू लिक्विडेटर ऑफ नाबाद. तो बिजनेस परचेस के डेबिट साइड में लिक्विडेटर ऑफ अबाद, लिक्विडेटर ऑफ नाबाद. एग्रीड? फिर आपने क्या एक्वायर किया उनके? ऑल असेट्स. असेट कौन से एक्वायर किए जरा देखो. पहला गुडविल. एग्रीड? तो बेटा जी बिजनेस परचेस के क्रेडिट साइड में लिखूंगा मैं बाय स्टॉक. स्टॉक कितने में एक्वायर किया बताओ? 1,80,000. दोनों का एडिशन कर बताओ 2,60,000. अच्छा दूसरा क्या एक्वायर किया? डेटर्स. दोनों का एडिशन करके बताओ रिवाइज्ड वैल्यू 3,78,000. अच्छा आरडीडी में डेबिट साइड में लिखूंगा. नेक्स्ट आइटम क्या है? गुडविल. अच्छा ये आरडीडी 42,000 आ गया बेटा. 420 माइनस 42,000 378 आ रहा है क्या? हाँ या नहीं? अच्छा नेक्स्ट आइटम क्या है? 5% डिबेंचर. कितना आ रहा है बेटा? आवाज नहीं आ रही है. 70,000. एग्रीड? और बेटा जी क्रेडिटर्स कितना आ रहा है? 88,000. अब कुछ बच्चा बोल रहा था कि सर गुडविल क्यों नहीं ले रहे? बेटा गुडविल इज ऑलवेज अ बैलेंसिंग फिगर. यस सर. सो हियर आई विल हैव गुडविल बैलेंसिंग फिगर 120. हाँ जो गुडविल है और प्लस अभी बैलेंसिंग फिगर ही आ गया. तुम एंट्री देखो ना इधर. अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ बिजनेस परचेस की तो हमारी एंट्री क्या आएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट 260, डेटर्स अकाउंट 420, टू ये डेटर्स 3,78,000 कर देता हूँ. नेट फिगर है ना. टू 5% डिबेंचर्स कितना बेटा? 70,000. टू क्रेडिटर्स कितना? 88,000. टू बिजनेस परचेस 6,00,000. बेटा अभी बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा? हम ऐसे ही तो करते हैं ना. कितना आ रहा है गुडविल? कितना? 1,20,000. सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर यहां पे. हैव यू अंडरस्टूड बॉयज एंड गर्ल्स? दैट्स द वे यू कैलकुलेट इट. सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू. So this question is not easy. This question is tricky. But if you understand this question, try and understand. अगर आपको question समझ में आ गया तो exam में सिर्फ दो ही चीजें पूछी गई है, एक shareholder account और एक क्या? Business purchase account. This will fetch you good amount of marks. So question is to solve is very simple and very less time consuming. But to understand the question, it will take time. And that's what you should focus on. Okay? I'll give you one similar question as well. CPM Limited वाला है. This question I give you as an homework. I mean, I'm going to deal it with this question as well tomorrow, but this question is homework for time being. Question number 11, CPM Limited. पीसी पर फोकस करो. अभी भी बच्चे पीसी पर फोकस कर नहीं आए. मैंने आपको बताया था फोकस ऑन पीसी एट योर होम. जितनी प्रॉब्लम्स आपको मिले बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश मत करो. सिर्फ देखो उसका परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट हुआ. डू इट ऑन योर ओन एंड इफ यू एबल टू कैलकुलेट पीसी देन दैट इज मोर देन इजी फॉर यू टू मूव अहेड. इज दैट ओके? यस. एनी अदर इशू? सो क्वेश्चन नंबर 11 इज होमवर्क. थैंक यू.